क्या है? ई ए वर्ड्स। इसमें करना क्या है? अच्छा, ई ए गेट टुगेदर दे मेक अ साउंड एज इन द वर्ड बेड, है ना। ई ए से हमें बेड साउंड भी मिलता है और ई ए से हमें मीट साउंड भी मिलता है। कौन सा साउंड मिलता है? दो साउंड क्रिएट होता है, एक मीट और एक बेड। जैसे एक साउंड तो इसका आता है जो आता है मीट में, और दूसरा क्या आता है? जो आता है बेड। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें करना क्या है? सर्किल द वर्ड्स दैट राइम विद मीट। उन वर्ड्स को आपको सर्किल करना है जो मीट वर्ड को राइम कर रहे हैं। जैसे मीट को कौन सा वर्ड राइम कर रहा है इसमें? किसको किसको आप सर्किल कर दोगे? जैसे पहला तो आपने देखा बीट ऑलरेडी सर्किल दिया हुआ है, देन क्या कर देंगे आप? हीट को भी कर देंगे, एंड देन बीट, एंड लास्ट चीट। ओके, तो आपकी माइंड में होना चाहिए इसका मतलब, सर्किल द वर्ड्स दैट राइम विद बेड। अब नेक्स्ट माइंड टू में क्या करना? ये तो आपका हो गया माइंड वन। टू में आपको क्या करना है? माइंड टू में आपको किसको सर्किल करना? हमने बताया ना कि ई ए से दो साउंड आते हैं, एक तो मीट का, दूसरा बेड का, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेकेंड में माइंड टू में हमको सर्किल करना है जो बेड को रिलेट करे, बेड साउंड को फ्रेम करे। जैसे क्या है इसमें? ब्रेड, एग। ई ए से कौन सा साउंड आया? ब्रेड वाला आया। नेक्स्ट क्या है आपका? थ्रेड। थ्रेड क्या होता है भाई? धागा, आपने देखा है धागा होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? हेड। हेड, एंड नेक्स्ट स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? बटर लेते हो, ब्रेड पर स्प्रेड करके खाते हो ना, वही होता है फैलाना। ओके, नेक्स्ट हमारा माइंड थ्री पेज है अपोजिट्स पर। व्हाट आर अपोजिट्स? वर्ड व्हिच आर टोटली डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम ईच अदर। दो वर्ड्स जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं मीनिंग में, उन्हें ही बोलते हैं अपोजिट। या ये कह सकते हो कि जो टोटली अपोजिट सेंस दें, उल्टे अर्थ दें, ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट्स। तो माइंड थ्री हमारी पेज है अपोजिट्स पर। ओके, माइंड थ्री में है क्या भाई? देखिए इधर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और कुछ उनके नेम दिए हुए हैं, फिर इधर कुछ पिक्चर दी हुई हैं, उनके नेम दिए हुए हैं। करना क्या है? जैसे इधर इस इधर के वर्ड्स के अपोजिट वर्ड से आपको टैली करना है, तो हम लोग क्या करते हैं माइंड थ्री में? इधर के वर्ड्स को आपको लिख करके सामने करेक्ट मैच करने वाला वर्ड लिख देते हैं, आपको उन पर मैच करा लेना। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका फैट, तो फैट को आपको किससे मैच कराना है? थिन से। देन क्या है? बिग। बिग को आपको किससे मैच कराना है? स्मॉल से। किससे मैच कराना है? स्मॉल से। नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू को आप किससे मैच करोगे? बोलिए बोलिए, किससे मैच करोगे? फ्यू मतलब कुछ और मेनी मतलब बहुत सारे, है ना। देन इज द चांस ऑफ डे। डे का क्या हो जाएगा? नाइट। डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स क्या हो गया? रात को नाइट बोलते हो ना। इट इज द चांस ऑफ ओपन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ओपन। और ओपन मीन्स खुला, तो ओपन का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लोज, बंद। एंड नाउ फुल। फुल मतलब क्या होता है? देखिए मिल्क ग्लास बनी हुई है, ग्लास फुल है और ये ग्लास क्या है? खाली है। उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी, मतलब खाली। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्वीट। आपको मिठाइयां पसंद है,
पिक्चर्स को आपको देखना है और करेक्ट वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे ए नंबर में क्या है, द डॉग इज गोइंग, और उसके बाद देखिए एक तरफ लेफ्ट लिखा है एक तरफ राइट लिखा है, तो डॉग राइट में जा रहा है तो आपको राइट को यहाँ टिक कर देना है। ओके, इसी तरह से आगे एक्सरसाइज भी आगे के नंबर को भी आपको कम्प्लीट करना। चलिए बोर्ड पर हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर में देखिए, द आइसक्रीम इज, आइसक्रीम कैसी है, हॉट है कि कोल्ड है, कोल्ड तो आप क्या करोगे, कोल्ड फिल कर दोगे, सी कोल्ड को टिक कर दोगे। सी नंबर में आप उसको कर टिक करोगे, हेवी को टिक करोगे, वाई राइट है हल्का है, नहीं हेवी है, ठीक है। डी नंबर में आप किसको टिक करोगे, सॉरी वाई जो बैग लिया है वो देखिए टेढ़ा हो रहा है, मतलब बैग बहुत हेवी है, परेशान है, हमने हेवी को टिक कर दिया। सी नंबर में हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चा खुश है तो रतन इज हैप्पी, परेशान दिख रहा है खुश दिख रहा है, खुश दिख रहा है, हमने हैप्पी को टिक कर दिया। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, दिस एंड दैट यूज करेंगे। हम लोग मैटर दो प्रैक्टिस बुक से और एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। क्या करना है, दिस हमारी नियर की थिंग के लिए फिल होता है और दैट कहाँ होता है, दूर की चीजों के लिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं मैटर फाइव पर। मैटर फाइव में बी नंबर में क्या होगा बच्चों, बी नंबर में ए नंबर ऑलरेडी डन है, बी नंबर में ड्रॉइंग दूर है, क्या हो गया दैट हो गया। सी में क्या हो गया, आपका क्रोकोडाइल पास है तो दिस हो गया। डी नंबर में क्या हो गया, डी नंबर में जेब्रा आपके पास में है तो दिस हो गया। एंड ई नंबर में भाई अब ध्यान से देखिए क्या है, एलिफेंट दूर है तो दैट हो गया, एलिफेंट दूर है ना, देख रहे हैं। एफ नंबर में क्या करेंगे, आउट पास है तो हमने दिस फिल कर लिया। ओके, अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है यूज ऑफ दीज एंड डोज। हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि दीज और दीज डोज दिस दैट क्या होता है, दिस जहां हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन जो भी है वो प्लूरल है तो उसकी जगह पर प्लूरल की कंडीशन में क्या हो जाएगा, दीज हो जाता है। और जब हम दैट यूज कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन जो भी है वो प्लूरल है तो क्या करेंगे, डोज लिखेंगे। यही हमें इस एक्सरसाइज में करना है। वी यूज दिस व्हेन वी टॉक ऑफ मोर देन वन थिंग और पर्सन नियर अस। हम दो दिस तब यूज करते हैं जब कोई एक से ज्यादा चीज हमारे पास होती है तो हम दिस यूज करते हैं। और कोई एक क्या, वी यूज दोस व्हेन वी टॉक ऑफ मोर देन वन थिंग और पर्सन और फ्रॉम अस। जब वन थिंग मोर देन वन थिंग या पर्सन हमसे दूर होते हैं तो उनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दोस यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दोस यूज करते हैं। तो माय टर्न सिक्स में हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन में दीज दोस दिए हुए हैं, कहीं दीज दोस है कहीं दैट दिस है, तो हमें करना क्या है, करेक्ट वर्ड को फिल कर देना है। मैटर सिक्स के लिए हम लोग बोर्ड पर आते हैं, बोर्ड पर आते हैं ना। अब देखिए ए में ए तो ऑलरेडी डन है, बी में हमें क्या करना है, दैट या दिस दिया है लेकिन क्या है कि बैग पास में है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, दिस कर देंगे। सी में देखिए सिंपली दूर है, पिक्चर दूर है, हमने क्या करेंगे, दैट फिल करेंगे। डी में भी देखिए क्या है, सूज उसके पास में है तो क्या करा, दीज फिल कर दिया हम लोगों ने। फिर बारी आती है ई नंबर की, ई नंबर में क्या है, बुक्स बच्चों के पास में है तो हम लोगों ने फिल किया दीज। एफ नंबर पर आते हैं, पेन इसके पास है, देखिए पेन जैसे मेरे पास है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन है ना, या दिस पेन इज एक्सपेंसिव, यहाँ बात हो रही है ना, दिस पेन इज एक्सपेंसिव, दूर है तब बोलेंगे दैट पेन इज एक्सपेंसिव, यहाँ क्या हो गया हमारा, दिस हो गया। अब बारी आती है नंबर जी, लास्ट है हमारा और इसमें होगा लेकिन कार दूर है, हमने क्या किया, दैट किया। हाँ एक और है एच नंबर, एच नंबर ब्लैंक कार बिलोंग्स टू मिस्टर कुमार, कार सॉरी कैन यू सी ब्लैंक
जिराफ हरी पत्तियां खा रहा है। नेक्स्ट क्या है, हु इज टॉलर, द बॉय और द जिराफ, आपको कौन लंबा दिख रहा है, बच्चा या जिराफ? सिंपल सा आंसर है बच्चा, द जिराफ इज टॉलर देन द बॉय। ओके, नेक्स्ट है आपका, डज द जिराफ हैव अ बिग हेड, क्या जिराफ के पास